गुड मॉर्निंग। वाला स्कूल चली गई। हमें चाय मखाना। आज मैं फास्ट है क्योंकि आज एकादशी है। मैं पूजा वूजा करके चाय पी रहा हूँ। आप ब्रश ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? सर क्यों हिला रहे हो? ये हिलाओ। ऐसे कौन ब्रश करता है? पूरे घर में घूम घूम के जाओ। वहाँ पानी चलाए, वहाँ चलो। लेते तो फिर मिलते हैं। ये देखिए मेरा बेटा आ गया स्कूल से। आज तो पार्टी डे था तो आज मैंने क्या पहन के लिया था दिखाओ जरा सर। ये सानू आ गया मेरा सोना। आज क्या क्या हुआ स्कूल में? स्कूल में मानू आ गई है। अब राइस बना लेते हैं पटक से। कोई बुक उप मिला है तो चलिए। अब वही बुक लाए थे। हाँ, लिखने को मैम नहीं थक गए थे तो लिख नहीं पाए थे। थक गए थे, लेट गए। लेट गई थी। लिखते लिखते थक गई। इतना टू पेज था उसका। पता नहीं क्या करवा रही थी। क्या लिखाया था? यहाँ बैठो और जल्दी बताओ नेशनल एंथम क्या है। नेशनल सॉन्ग बंदे। गुड वेरी गुड। मेरे बेटे का शाबाश है। छप 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 निमोना। ठीक है तो राइस बना लेते हैं। ठीक है जल्दी से राइस चढ़ाते हैं। निमोना तो बन गया है। मैं दिखा दूँ किचन में। मैंने जहाँ तक है थोड़ा बहुत जितना साफ कर पाए कर लिए हैं। फिर अभी निमोना बन गया। फिर धनिया की पत्ती डाली। जब हो गया इस वजह से हो गया मूड डिस्टर्ब। और उसके बाद में खाना नहीं खाई। और फिर मैंने मार दिया उसको। मारने का मेरी उनकी अपहस हो गई। मैं कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं क्योंकि मूड एकदम खराब हो गया ना। सबके कपड़े सेपरेट कर लेते हैं। रानू का अलग, मेरा अलग, इनका अलग। कुछ कपड़े डेडलाइन के लिए देने थे वो निकाल दिया। तो ये सब कर रहे हैं। अभी तो पूरा घर अस्त व्यस्त है क्योंकि सब मैं अलग कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से इच्छा अजीब सी वो आ रही है सबका अलग करने से। ढूंढना ना पड़े किसी को। अच्छा नहीं लग रहा है। ब्लॉगिंग करने का ही नहीं मन कर रहा है। पता ना चल बहन अगर मतलब वैसे मन कुछ भी रह गई फिर बहन से वैसे जाती तो और नहीं मन करता कुछ करने का। चलिए ठीक लगता है तो बाद मिलते हैं आपसे। अभी जाके थोड़ा सारा काम खत्म हो गया। बज रहे हैं 7:30। क्योंकि दोपहर में मेरा मूड थोड़ा सा हो गया डिस्टर्ब क्योंकि मैंने मानू को मार दिया। मेरी इनकी हो गई नोक जो बैंकबाजी। सो इस चक्कर में मुझे थोड़ा कि मुझे बहुत ज़्यादा सा गुस्सा आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी बस जस्ट लोअर चौंक लूँगी। हाँ ट्राई कर लूँगी, खा लूँगी थोड़ा सा। लेकिन वो भी नहीं किया तो मैं भी थोड़ी देर पहले चाय बना के पी। फिर उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक किया कमरा। ये वाला छोटा वाला जिसमें बहुत सारे कपड़े पड़े थे सारा इनका एक बैग मेरा एक बैग सबका मतलब अलग अलग कर दिया कि मेरी साड़ी एक जगह, मेरा सूट एक जगह, इनका पैंट जीन्स एक जगह, बालों के सारे कपड़े एक जगह। ऐसे करके सब कर दिया। ये झोला भर के रखा हुआ है। इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है। ड्राई क्लीन कराना है सारा कपड़े। ये तो लॉन्ड्री में देना है। नीचे ही है उसको सुबह देंगे हम निकले हैं धुलने को। वो धुलने जा रहे हैं। दुखाने का इतना वो नहीं करना। सारे कपड़े रखे हुए हैं धुलने वाले। सो सब धुलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हाँ देते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।
थैंक यू, गुड नाइट।